चलो भाई डालते हैं इसको। अरे मान ली, क्या हो गया भाई इतना बिल्ला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। अभी हो रहे हैं, मैंने थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया हूँ, थोड़ा क्या बोलते हैं अपना, कभी कभार बोलने में हो जाता है। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:10 और हमारा नाश्ता वगैरह भी सब हो गया है। आज मैं भर रहा हूँ पानी, आज संडे है, हमारे टाके में पूरा पानी खत्म हो चुका है। तो मैंने पीछे वाले अंकल से लिया हूँ 50 रुपए का पानी। अब देखते हैं कितना मिनट देते हैं, पानी तो स्टार्ट हो गया है, जब से मैं उसी का इंतजार कर रहा था। देखें अब कुछ डब्बा इब्बा बाल्टी सब क्या बोलते अपना टॉप टॉप वगैरह सब ला के रख दिया हूँ, बोला टाकी भरेगी, जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा मैं इसमें भर दूंगा। तो चलिए फटाफट अभी पीने का पानी भर लेते हैं। पीने का पानी पूरा खत्म हो चुका था और इतने सारे कपड़े पड़े हुए धोने के लिए, तो इस वजह से पानी की जरूरत पड़ी, वरना कपड़े नहीं रहते तो टेंशन नहीं रहता था, कल भर लेता था। लेकिन अभी मैं सोचा काम पे जाने से पहले पहले ही ये सब कर लेता हूँ, वरना फिर बाद में क्या, कैसा 12 बजे तक पानी आता ना यहाँ पर सुबह में, तो उसके बाद तो ना मुमकिन समझ लो नहीं के बराबर मिलता ही नहीं है पानी उसके बाद में। तो इसीलिए पीने का पानी भरने के लिए मैंने सिर्फ एक मटका और हंडा रखा हूँ, क्योंकि ज्यादा रखूंगा ना गाइस तो इतना तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो इस वजह से पूरे पानी में कचरे जम जाते हैं, खराब हो जाता है, तो इसलिए मैंने दो ही रखा हूँ, जब खत्म होगा तब ले लूंगा। पीने का पानी है कैसा, सुबह में सिर्फ एक डब्बा नीचे रखूंगा ना, तो पीने का पानी भर के हो गया। अब देखे इंतजार है टाकी भरने का, मेरे ख्याल से भर जाएगी तो अच्छी बात है, पानी का फोर्स तो अच्छा है, लेकिन कैसा जब भी मैं लेता हूँ ना तो बहुत मुश्किल से टाकी भरती है छोटी टाकी, लेकिन भरने थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पानी का फोर्स कभी कभार सेलो आता है ना, तो इस वजह से नहीं भरती है। और ये देखिए बेचारा अच्छे अच्छे चलते चलते खराब हो गया, पता नहीं से क्या मिर्गी चढ़ गई है और क्या बोलते अपना चालू ही नहीं हो रहा है, इसको खोल के देखना पड़ेगा कि क्या मैटर हुआ है। घर में भी बहुत घान जमा हो गई है, फटाफट पानी भर लेता हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू मार के पोछा मार के सब कुछ क्लियर करके नहा धो के जाऊँगा काम पे। आज भी समझ लो मेरा काम वहीं चालू है जहाँ हम लोग कल थे, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आज पूरा काम फाइनल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझ लो 2 दिन का ही काम था, कल हम लोगों ने भराई वगैरह सब कर दिया, अब सिर्फ कलर कलर ही मारना है, तो कलर मारने तक टाइम नहीं लगता है, तो इंशाल्लाह हम लोग आज पूरा कलर समझ लो आज पूरा वहाँ का काम फाइनल कर देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जो जो न्यू है तो कमेंट में न्यू सब्सक्राइब लिखना कि मैंने नवा मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ आपकी, तो मुझे भी जरा पता चलेगा कि मेरे कौन कौन नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं। टाकी भरने में बस थोड़ा सा वक्त है, जब तक टाकी भरेगी मैं अंदर का नल चालू कर देता हूँ और जो भी डब्बे वगैरह है सब साइड से भरने लगा। गाइस मैं ये देखो डब्बा वगैरह सब भर रहा हूँ, और मालनी में ऐसा है ना जितना पानी मिले उतना कम है, मेरे ख्याल से अंकल आवाज दे रहे हैं। तो हमारा पानी जाते हुए तो समझ लो टाकी भर गई, एक डब्बा दो डब्बा और ये बाल्टी भरी, और ये टब आधा अधूरा भर रहा है। आ रहा आ रहा आ रहा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। तो देखिए गाइस 50 रुपये मेरा इतना सब कुछ भरा है, मुझे हो जाएगा काम, चल जाएगा टेंशन। चलो भैया हमारा पानी भर के हो गया, चले भाई हो गया झाड़ू पोछा करके। और गाइस घर में ना जितना पसारा कम रखने की कोशिश करें ना अपन, उतना ही बढ़ते रहता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, एकदम समझ लो घर एकदम भरा हुआ दिख रहा है यार। दिल करता है मेरा सब कुछ घर में से खाली कर दो, जो सिर्फ जरूरत के सामान है ना वो ही रखो, बाकी सब हटा दो, ऐसा दिल करता है। लेकिन सोलह ना सोलह बताए क्या करेंगे, पता है क्या करेंगे, सीढ़ी दिख रही है ना इधर से डायरेक्ट धक्का दे देंगे, मुझे बोलेंगे सबसे पहले तुम ही कम हो जाओ। तो चल मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। तो गाइस मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया, देखो कपड़ा वगैरह पहन लिया, तो चलते हैं फटाफट साइड। तो मैं आ चुका हूँ साइड का, और ये देखिए हमारे दीवार का माल तैयार हो गया है, फुल पिंक पिंक, देखिए पूरी दीवार है ये सब, ये कलर मारना है, पूरा कलर मारने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज अभी बच चुके हैं दोपहर के 1, हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है, बहुत भूख लग रही है, और समझ लो हम लोग का हॉल में ना एक हाथ हॉल किचन में एक एक हाथ कलर हो गया है, तो अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, पूरा जब फाइनल हो जाएगा ना तब आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा कौन सा कलर पास किया और कैसा दिख रहा है। इसी के साथ गुलाम भाई जा रहे हैं स्कूल, जा रहे भाई चलिए चलिए चलो आते हैं, चलो खाना खाने जा रहे हैं। चलो अब तो हम आ चुके हैं घर में, अभी बैठे हैं खाना खाने, तो अब खाने में है सूखी दाल, अंडे की क्या बोलते हैं अपना अंडा फ्राई, और मैंने क्या बोलते हैं अपना अंडे की भुर्जी बनाया था, और गुलाम भाई ने लेकर आए हैं, ये गुलाम भाई ने लेकर आए हैं, और देखिए मेरा चावल और भुर्जी है। हम लोग बैठे खाना खाने, मिलते खाना खाने के बाद डायरेक्ट साइड पे, हम लोग जा रहे हैं अभी साइड में, और साइड में ऐसे मजाक किया, हम लोग बोले साथियों वाले में सही में लिफ्ट में चढ़ना स्टार्ट कर दिया।
हमारा खाना में सब खा के हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी दोपहर बाद साहिल भाई भी आ गए, तो जो भी बाहर का काम रहेगा हमारे साहिल भाई से पटा लेंगे। और हम लोग कलर तो आप लोगों को पूरा फाइनल होने के बाद ही दिखाऊंगा, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, तुम हमारे साथ आ गए। फाइनल करना ही है आज, कैसे भी फाइनल करना है। मैंने तो थोड़ा गेट वेट का काम रह जाएगा, लेकिन पूरा घर फाइनल करके देना ही। आप लोगों को काम इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से मैं सोचा कि पूरा फाइनल होने के बाद ही, सामान वगैरह सेट होने के बाद ही एकदम अच्छे से आप लोगों को दिखाऊं कि कैसा लग रहा है। तो अभी हो गया हमारा चाय पीने का टाइम, तो देखिए आज तीन तीन कप आ गया क्योंकि हमारे साहिल बादशाह भी आया। और माशाल्लाह कैसी चाय, बवाल है भाई एकदम। समझ लो अगर ऐसी चाय अगर एक गिलास भर के ही मिलेगी ना, तो भी माशाल्लाह पूरा ख़त्म हो जाएगी। तो साहिल भाई को हम लोग ने बोले, साहिल भाई यहाँ की चाय पी के देखना, तो एक नंबर लगती है। तो बोले भाई चलो आने दो आने दो। और गुलाम भाई बोल रहा है कि साहिल भाई नहीं पिएंगे तो मेरे को दे देना, मेरे कप में डाल देना। बोले मैं पी लूँगा पूरी चाय। तो चलिए साहिल भाई टेस्ट करके बताइए जरा। नहीं पैसा वसूल चाय भाई, एक नंबर। लाओ लाओ भाई लाओ लाओ, लाइए 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 जी। सही में गाइस एक नंबर। चाय गरम गरम पीने ही मजा आती है भाई। टेस्ट कर बता, कड़क खत्म भाई एकदम। गुलाम भाई हम लोग दोनों तो दो दिन से पी रहे हैं यहाँ पर चाय। नहीं आज का दूसरा दिन है, कल का पहला दिन था। तो गाइज अभी हो गए हैं शाम के 6:30, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने तीनों जन ने मिलके पूरा काम दो दिन में फाइनल कर दिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एकदम अच्छे से कि हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं। तो चले बाहर से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसा काम किया यहाँ पे, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो जाते जाते हम लोग देखो एंड में चाय मिल गई है मस्त एकदम रावस पीते और चलते हैं घर पे। तो ये है हमारे रूम मालिक अंकल, तुमको कैसा लगा कलर? ट्रस्ट दिस गाय, व्हाटएवर दे आर सेइंग, दे आर डूइंग वेरी हार्डली जॉब एंड नाइस, दे आर कोऑपरेटिंग आल्सो, दे हेल्पिंग दिस पीपल to the carry on all this our luggage and all everything last time up to last time they are helping to the end and really appreciate and very satisfied
विद दिस जॉब. थैंक यू वेलकम मोस्ट वेलकम. एक नंबर समझा के लेकिन भाई एक नंबर बोले अपनी तारीफ की. मतलब बहुत मेहनती इंसान है. अपने पास सामान जो है ना वो सब रखने वाले. अरे जा भाई क्या दिखा रहे हो. और आंटी तुमको कैसा लगा. माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा. इन्होंने जो बोले माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया. अब सिर्फ गाइस मेरे काम की छुट्टी हो गई है. हम लोग आ गए थे चाय वगैरह पी के घर पे. तो आके देखो फटाफट कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया और मैंने लेकर आ गया चिकन. जैसे मैंने मतलब दो दिन से बोल रहा हूँ कि संडे को चिकन बनाऊंगा. तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अभी सूखा चिकन बनाऊंगा. तो देखिए मैं चिकन वगैरह सब लेकर आके रख दिया हूं. तो चलो इसको फटाफट धोते हैं. और ये देखो मसाला वसाला सब लेकर आ गया. तो कैसा बनाएंगे हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे. जैसा भी बनेगा बस अल्लाह वाली के खाने से मतलब है. बस अच्छा बने. और जिस तरह से बनाएंगे मुझे ना अब्बा ने बताया कि ऐसा 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 करना. क्योंकि मैं अपना YouTube पे सर्च किया गाइज आप यकीन माने इतने मसाले दिखा रहे. इसका तरीका अलग उसका तरीका अलग ये वो बोला मेरे घर में अवेलेबल है नहीं जबरदस्ती. तो अब्बा ने मुझे बताया इसकी मतलब ये वो मत देख. देखो मैं बताता हूँ वैसे ही बना. तो अब्बा के जो आइडिया अब्बा ने दिए है वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह. मैं एक साथ इतनी ज्यादा चीज देखता हूँ ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ. पता नहीं दिमाग काम नहीं करता. तो गाइज देखिए यहाँ पर पूरा सब मसाला जो भी लेने का है लेके बैठ गया हूँ मैंने. तो मैंने ले लिया हूँ यहाँ पर अपना हल्दी मिर्ची की बुक्की धनिया की बुक्की कोथमीर को क्या बोलते हैं अपना धनिया की बुक्की चिकन मसाला और ये है गरम मसाला. गरम मसाला देखो मैंने ना ये वाला लिया दुकान पे. मैं बोला कि आंटी मुझे गरम मसाला दो तो ये वाला ही दिए. अब पता नहीं ये आता है कि दूसरा आता मालूम नहीं मेरे को. तो मैं ये लेकर आ गया और जो दिए वो उठा के. और यहाँ पे मैंने चिकन भी धो के रख दिया हूँ माशाल्लाह एकदम रावस. तो अभी इसकी छोटी छोटी बोटी करेंगे. सबसे पहले मैं मसाला अच्छे से पूरा निकाल लेता हूँ. तो कांदा काट रहा हूँ देखो एकदम कांदा छोटे छोटे इससे मैं काटेंगे अपन एकदम बारीक बारीक. यार मुझे ना छुरी धार करवाने का था तो आज काम पर था तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला. तो इंशाल्लाह भी जब भी काम की छुट्टी होगी ना तो धार करवा लूंगा. जब तक ये किसी सड़ेली छुरी से काटते हैं धीरे धीरे क्योंकि इससे क्या बोलते हैं अपना ज्यादा बारीक कट्टा नहीं है ऐसा मोटे मोटे ही कटते हैं. तो काम चलाएंगे जब तक चलेगा तब तक. फिर उसके बाद मुझे फुर्सत मिलेगी तो जाऊंगा मस्त छुरी धार करवाऊंगा या नवी ले लूंगा एकदम अच्छी. फिर से आज और रोने का दिन आ गया है तो अभी इसको छील लेता हूँ. मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया बोले जब कांदा छीलेंगे ना तो उसका छिलका निकाल के कांदे को धो लेने का तो आंख में कम लगेगा. तो मैंने थोड़ा बहुत ध्यान भटक गया था मेरा फिर से. तो अभी वैसे ही करूंगा मैं बहुत बहुत जल्द यार पता नहीं क्या के लिए. हाँ गाइस बचपन में ऐसे मतलब बोलते थे सब लोग कि कांदे से आंख इस वजह से जलती है. मतलब जब खेती करते ना तो खेती में पाते हैं तो इस वजह से बोले कांदे से आंख ज्यादा जलती है. तो क्या मतलब बचपन की ऐसी कहावत थी मजा मस्ती मजाक करते थे. लेकिन अभी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है कांदे से आंख जलती ही है. ऐसा फनी वे में ले लेते थे उसको. गाइज आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बोले थे कि कांदे का सिर्फ छिलका निकाल के उसको धो लेना आंख में से ज्यादा नहीं जलेंगे. तो देखो छिलका निकालने के मेरी हालत खराब हो गई है तो उसको धोऊंगा क्या होगा. और गाइज मैंने ना चिकन सिर्फ पाव किलो लेकर आया हूँ तो इस वजह से पाव किलो के हिसाब से चार कांदा ले लिया और ये जो मसाला वसाला है वही ले लिया मैंने. तो चलो कांदा तो काट के हो. कांदा तो अभी काटा नहीं मैंने जस्ट अभी धोया उसको. तो एक ही कांदे का मैंने मतलब सब लोग काटा हल्का सी उसका छिलका निकाला तो इतने आंसू निकल गया यार. और जो एकदम क्या बोलते अपना जो बिल्डिंग में मतलब बिल्डिंग में सॉरी हाँ मेरे मुंह से बिल्डिंग निकल गई. जो होटल में काम करते हैं और जो घर में मतलब जब मेहमान आते हैं एकदम ज्यादा खाना बनता है कुछ भी मतलब तो तब कांदा काटने में उन लोगों की क्या हालत होती रहेगी यार. बाप रे बाप मैं समझ सकता हूँ ये बात. तकलीफ होती है कांदा काटने में क्योंकि आग ऐसी जलती है इतना पानी निकलता ना आग में से. कोई कोई कांदा होता है ऐसा कि जिसमें जलन नहीं होती है लेकिन ये कांदे ऐसे हैं कि एक मैंने सिर्फ हल्का सी छीला छिलका विलका और एक ही हल्का सी काटा मैंने तो इतने आंसू निकल गए. बाप रे ऐसे टपक रहे थे पूरे नीचे वो तो दिखाया नहीं मैंने. तो गाइस देखिए मेरा कांदा और टमाटर काट के हो गया. बड़े ही बेरहमी से काटा हूं मैंने क्योंकि छुरी में धार नहीं है और मुझे काटने जम भी नहीं रहा ऐसी सड़ेली छुरी से. पता नहीं कब धार आखिरी बार मैंने इसमें किया रहूंगा समझ में नहीं आया. वैसी ही है सौलिया कैसे मैनेज करते रहेंगे यार मानना पड़ेगा भाई एकदम हाल बिल्ला हो गया एकदम. और ये देखो चिकन को मैंने एकदम छोटे छोटे पीस में काट लिया हूँ थोड़े थोड़े एकदम मतलब इतने बड़े बड़े इतना जमता है. तो चलिए अब बारी है इसको पकाने की. तो मैं टोप में बनाऊंगा तो मैंने टोप ले लिया हूँ. उसके अंदर डालते हैं तेल जो कि और बस क्या और बस तेल है ना ज़्यादा. तो इसको अभी अच्छे से गर्म होने देते हैं. फिर उसके बाद डालेंगे कांदा तो कांदा भी ब्राउन होएगा मतलब डालने के बाद अभी नहीं.
यार मुझे अब भी इसने आइडिया दिया, टोप में क्यों ना बना रहे, कढ़ाई में बनाएगा ना। मैं सही में ध्यान से एकदम निकल गया था मैं, और ये ऊपर से गिर रहा है यार। भाई मेरे एक जगह खड़े हो ना। क्या बात है, तू नाराज है मेरे से? क्या है यार, ये भी साथ नहीं दे रहा है, दिमाग भी साथ नहीं दे रहा है। भाई मुझे ना कढ़ाई बनाएगा, ध्यान निकल गया, ध्यान से निकल गया। तो चलो अभी तो क्या बोलते अपना, अबे छम्मच छम्मच कुछ लिया नहीं मैं। चलो भाई डालते इसको। अरे मान ली, क्या हो गया भाई, इतना मिल रहा गर्म करेंगे तो हो जाएगा ना। क्या धुआं निकल रहा था भाई, तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया भाई। गाइस तेल इतना गर्म हो गया था कि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, मैंने अचानक डाला, पूरा धुएं से पूरा घर में धुआं आ गया। तो चलो अभी ये सब डाल रहा हूँ मैं। तो चलो पूरा मसाला मैंने एक साथ डाल दिया हूँ, तो इसको भी अच्छी तरीके से हिलाते हैं। एक नंबर का गाइस, सही में आप लोग सोचेंगे इतनी अच्छी कढ़ाई रहने के बावजूद तो टोप में बना रहेगा, दाल बना रहेगा, सूखा चिकन बना रहा है, दिमाग से निकल जाता है यार मेरे। इसलिए तो फातिमा मेरे को बोलती कड़प्पा, कड़प्पा बोलती फातिमा। हाँ हाँ, खुशबू यार आओ सारी यार। थोड़ा इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसके बाद में टमाटर डालेंगे, फिर और अच्छे से हिलाएंगे, तब और खुशबू आएगी इंशाल्लाह। और कुछ आता पता है नहीं कितने चिकन में कितना डालना चाहिए, अंदाजा नहीं, कुछ भी अंदाजा मार रहे हम लोग अपने हिसाब से। चलो ऐड करते हैं, बस मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, पाव किलो ये ना। अभी और खुशबू आ रही है, एक नंबर गाइस। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ट्राई करना, लेकिन कढ़ाई में बनाना, मेरे ऐसे टोप में मत बनाना। तो गाइस कांदा एकदम मतलब सब मसाला एकदम अच्छे से हो गया, ऐसा लगता है ब्राउन। तो चलो अभी डालते हैं इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने एकदम डिलीशियस तरीके से काट लिया। चलो भाई इसको भी अच्छे से होने दो। और जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना गाइस, तो वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो बोलते तुमने क्या बोलते अपना टमाटर अच्छे से मिक्सिंग नहीं किया, तो उसको अच्छे से एकदम बारीक होने दो, तब मजा आएगी, ग्रेवी बनेगी। तो इसमें डालने जा रहा हूँ मैं चिकन, और मुझे मालूम नहीं कि पहले डालते हैं बाद में डालते हैं, तो डाल देते हैं कैसे भी, बस बनने से मतलब अपने को। हाँ भाई नमक डालना भूल जाते, नमक डाल देते यार, ऐसे बोलते रहो सब समय, तो ऐसे ही चाहे वो बनवा उसमें। इसके अंदर अभी डाल देते हैं नमक अपने हिसाब से, बस ज़्यादा हो जाएगा नमक, अगर कम रहेगा ना तो चलेगा, अगर ज्यादा डालिए तो फिर वापस निकाल नहीं सकते, तो ये तो ऐसे मैंने थोड़ा ही डाला हूँ, अगर बाद में लगा तो ऊपर से डाल के खा सकते हैं आराम से, टेंशन नहीं है। देखो गाइस क्या बोलते अपना, आदमी लोग घर में खाना बनाते ना तो ऐसे ही घर में पूरा धुआं धुआं हो जाता है, और क्या बोलते अपना, मैंने अभी ढक्कन ढक के रख दिया हूँ, तब तक एकदम मस्त अच्छे से वो तो थोड़ा स्लो कर देता, वरना वाट लग जाएगी पूरी। तो अच्छे से पकने देते हैं इसको, फिर उसके बाद में थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद और पकने देंगे। तो जब तक पक रहा तब तक थोड़ा आराम कर लेता यार, मेरा मिर्ची वाला हाथ था, मैंने ऐसे मुँह पे किया ना तो पूरा मुँह जल रहा है एकदम। हाँ सही में यकीन माने, मेरा जरा भी दिमाग काम नहीं किया कि मुझे कढ़ाई बनाना चाहिए, कढ़ाई सामने रखी भी फिर भी नहीं दिखा मुझे, सही में यार एकदम। कभी कभार हो जाती है कंफ्यूजन ऐसी, तो करते कुछ और हो कुछ और जाता है, तो वैसे ही मेरे साथ अभी हुआ है। तो आप लोग प्लीज हंसे मत, हंसना यार मजे है ना, व्लॉगिंग के साथ में रेसिपी भी मिल रही है आप लोगों को, और क्या बोलते अपना आड़ी टेढ़ी रेसिपी जैसी भी मुझे आई है, क्योंकि ये रेसिपी चैनल नहीं है, ये व्लॉगिंग चैनल है। तो मैं मतलब जो डेली रूटीन करता हूँ वही आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो मेरी डेली रूटीन में अभी ये भी शामिल हो गया है, तो ये भी आप लोगों से शो कर रहा हूँ। और चलो देखते हैं आगे आगे होता क्या है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। आप लोग कमेंट किया करें, मुझे कमेंट कर देना बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मेरे ब्लॉग में क्या गलती होती है क्या नहीं तो वो मुझे बताया करें, इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा, जैसे कुछ भी कर रहा हूँ ना तो वो ये बाद में पढ़ा करूंगा कि ऐसा ऐसा मुझे मेरे सब्सक्राइबर लोग ने बोला था। साहिल भाई चेकआउट कर रहे हैं, ओह माशाल्लाह पानी छोड़ रहा है अभी, तेल इतना डलवाया भाई तूने तेल, अब देख अगर ज्यादा तेल हुआ ना गाइस तो इसके इसका इसको इसके घर पे देकर आऊंगा मैं तेल, क्योंकि यही बोला तेल तेल डालो अच्छा रहेगा। हाँ अभी तेल ज्यादा होता ना भाई, ज्यादा तेल वाला खाना भी नहीं चाहिए पता, इससे ना वो होती है पेट खराब होता है ज्यादा तेल वाला खाने से। हाँ पानी दे उसको अच्छे से, फुल भैया इस चाल में बना लो, गाँव में ना एकदम ऐसे ही बनता है। इसमें डालने जा रहा हूँ मैं आधा ग्लास पानी, पानी डाल के इसको वापस अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि मुझे ना आइडिया नहीं था कि चिकन पहले डालते हैं या बाद में डालते हैं, तो हम लोगों ने पहले डाल दिया, तो थोड़ा इसको ना गलने टाइम लगेगा चिकन में, तो इसलिए पानी डाल के थोड़ा रखते हैं अभी इसको। गाइस मुझे ना ऐसा लग रहा है मैंने मसाला बहुत ज्यादा डाल दिया, और कांदा भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा डाल दिया, अबे चार चार कांदा काट के डाल दिया, महा मेरी भाई पूरी वाट लग गई भाई। देखा
देखा देखा सही बना है वो खाने लायक है। अबे कांदा सिर्फ हर जगह कांदा ही कांदा नजर आ रहा है मेरे को। लग गई बात कर रहे देख जरा गला के। नहीं नहीं अभी नहीं गला, अभी टाइम लगेगा, टाइम लग गया, अभी टाइम लगेगा और थोड़ा और गरम करो। 5 मिनट सिलो पे ढक्कन डाल दे। गाइस इसमें ऐड कर रहे हैं कोतमी ऊपर से और कांदे के तो फुल नदिया बह रही है इसमें। गाइस मैंने ना चावल नहीं बनाया क्योंकि कल बना दिया था ना तो ज्यादा बना दिया था मैंने और दोपहर में भी थोड़ा सी खाया और बच गया था तो मैं सोचा चलो रात में काम आ जाएगा क्योंकि रात का ज्यादा नहीं थोड़ा सी खाता हूं मैं तो थोड़ा चावल है और 10 रुपए का नरम पाव लेकर आ जाऊंगा मस्त माशाल्लाह। नरम पाव सूखा चिकन का सालन और नरम पाव और चावल जो भी है। हाँ पूरा हो गया गल गया। अरे माँ मेरी एक नंबर दिख रहा है। पूरा खाना बन के तैयार हो गया। आप टेस्ट करने की बारी है कि कैसा बना है। आप लोग भी बहुत हंसेंगे हमारी रेसिपी देख के। और क्या बोलते हैं अपना देखो बच गए हैं 9:30 तो चलो फटाफट खाना खाने बैठते हैं। मैं लेकर आता हूँ दुकान से पाव। तो गाइस मैं लेकर आ गया नरम पाव और देखिए मैंने लिया पल्पी ऑरेंज। ये मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ पर इधर की दुकान पे नहीं मिलता था, माड़ा में मिलता था तो वहां पर बंद हुआ, फिर यहाँ पर मिला, दिखा मुझे तो मैंने ले लिया। माशाल्लाह एक नंबर लगता है, देखो एकदम मस्त लगता है। और उसके अंदर वो भी रहता है देखो हल्के हल्के हो रहे थे ना। हाँ एक नंबर मजा पीने। हाँ 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 माशाल्लाह एक नंबर। बस मसाला इतना भर दिया मैंने कि क्या बोले हम। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने और टेस्ट करते हैं कि खाना कैसा बना है क्योंकि मसाला इतना डाल दिया हूँ अंदाजा जरा भी नहीं था मुझे। टेस्ट करते हैं कि छोटू शेख ने खाना कैसा बनाया उसमें। भाई टेस्ट ना एक नंबर लगा, बस मसाला थोड़ा ज्यादा हो गया ना, अपन को थोड़ा और भूनना चाहिए। ओके हल्के हल्के मसाले की नेक्स्ट टाइम और भूनने के बाद इंशाल्लाह। तो अभी तो ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती भी नहीं करेंगे। अब पाव किलो चिकन लगा तो सिर्फ 2 कांदा लगा, मैंने 4 काट दिया था। चलो कोई बात नहीं, होता है, माशाल्लाह अच्छा बना। लेकिन अल भाई को कैसा लगा, एक नंबर लगा है। सही है माशाल्लाह। बस ये क्या कांदा मैंने ज्यादा रख दिया, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट नमक वगैरह सब कुछ माशाल्लाह एकदम बराबर डाला, थोड़ा ज्यादा हो गया बस। तो मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। अभी अब्बा भी आने वाले हैं टेस्ट करके, अब्बा भी बताएंगे कैसा बनाया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना खा के तो हो गया और अब्बा भी आ गए हैं तो अब्बा बताएंगे भी टेस्ट करके कैसा बना है हमारा ये सूखा चिकन का सालन। वेरी नाइस माशाल्लाह। अच्छा ना सही में डरा दिए। अरे वो क्या खा रहे, ये मसाला ये मेन हाँ। साहिल तो दीवाना हो गया एकदम भाई, एक नंबर लगा साहिल ने, मजा आ गया। राजा भाई आ जाओ जरा टेस्ट कर लो तुमने। टेस्ट तो करना, हम लोग के हाथ का नहीं खाए तुमने। आ जाओ जरा एक बाइट मार, नहीं एक बाइट मार लो भाई। अरे एक बाइट मधुमक्खी का छट्टा खाना है, पाव खा ली। देखो मधुमक्खी का छट्टा एक बाइट मार लो। हाँ एक बाइट तो मार के दे अभी। अब इतना प्यार से तो किसी को भी नहीं बोलता मैं। चलो इतना प्यार से अब्बा सही मस्त लगा। चलो अब्बा ने बोल दिया बात सक्सेसफुल। कुछ कमी ही महसूस, कुछ भी कमी महसूस नहीं हो रही है। बस मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कांदा ज्यादा, हाँ कांदा ज्यादा डाल दिया। राजा भाई टेस्ट कर, राजा भाई करो करो। हाँ माशाल्लाह भाई झूठ नहीं बोलना, मन की तारीफ। ठीक है दिल नहीं दुखता है मेरा, टेंशन नहीं है। बिंदास जो रहेगा इंशाल्लाह अगले दिन अच्छे सीखेंगे। क्या बोलते हैं राजा भाई, सोच रहे भाई। कांदा को लाने क्या ना? कांदा एकदम लालम लाल कर दिए, यूपी का माल कर दिए थे। सही है बहुत अच्छा भाई। सही में अरे माँ मेरी घर के खाने जैसा बने। 10 में से? अरे 10 में से 10 अरे एक नंबर भाई। चलो भाई पास हो गए एकदम। कौन आवाज दे रहा है? नहीं अपने को आवाज नहीं दे माशाल्लाह। चलो भाई दिल खुश हो गया मेरा, दोनों को अच्छा लगा भाई। मेहनत रंग लाई मेरी, मेहनत रंग लाई गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह सबका खाना वाना खा के हो गया गाइस। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। साहिल और मेरी मेहनत रंग लाई माशाल्लाह सबको अच्छा लगा। तो वीडियो इधर ही एंड करते हैं, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी आप बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखें।